गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अभी मॉर्निंग का टाइम है और मेरा सुबह का काम चल रहा है यहाँ पर। और पहले इस रूम को मैं साफ़ कर रही हूँ क्योंकि ना उस रूम में मेरे हस्बैंड जी और मेरी बेटी दोनों सो रहे हैं, तो उन दोनों को बाद में उठाऊँगी मैं। पहले मेरा काम ख़त्म कर लेती हूँ उसके बाद। और सुबह उठने के बाद मेरा काम रहता है थोड़ा सा फ्रेश होना, उसके बाद दोनों तरफ लॉक रहता है ग्रिल, उसको खोलना, उसके बाद मेरे बाथरूम में जितना कपड़ा रहता है उसको मैं भिगा देती हूँ, धोती हूँ नहाने के टाइम, तो उसको भिगा कर उसके बाद मेरे नहाने का पानी भी गर्म करने के लिए रख देती हूँ। तो उस वो दोनों काम करने के बाद फिर मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। और मेरे किचन तो मैं रात को ही साफ़ करके सोती हूँ, तो किचन को साफ़ करना नहीं पड़ता है। और ये जो कपड़ा है ना, कल मैं जो साड़ी फॉल लगाने के लिए दिया था उसका ही ब्लाउज़ पीस है, तो कट कर कर मैं रख दिया था क्योंकि, और इसका ब्लाउज़ मैं नहीं बनाऊंगी। वैसे तो ख़रीद कर अच्छा अच्छा ब्लाउज़ मिल जाता है, इसलिए मैं नहीं बनाऊंगी। बनाने में बहुत ज़्यादा मतलब जितना पैसा लगता है उतने से अच्छा ब्लाउज़ रेडीमेड मिल जाता है, तो इसलिए मैं नहीं बनाऊंगी। और इस वाले बिस्तर में सब स्वेटर जैकेट रख देते हैं हस्बैंड जी, बेटी और मैं भी रख देती हूँ। अभी सोफ़े को थोड़ा रेस्ट मिला है और इस वाले बिस्तर को काम मिल गया है, तो जब टाइम मिलता है मैं साफ़ करती हूँ इस वाले बिस्तर को। और इतना अभी कपड़ा होता है ना, जैकेट स्वेटर, मतलब कि बहुत ज़्यादा कपड़ा होता है विंटर के सीज़न में। और अभी सुबह की 7 बज रहा है। और चलो फ्रेंड, आप लोग मेरे ब्लॉग पर बने रहो, और ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। किचन और बाथरूम के साइड झाड़ू लगा रही थी मैं यहाँ पर, और उसके बाद आ गई थी ये सामने की तरफ जो बरामदा है ना मेरा रास्ता की साइड में, तो उस तरफ झाड़ू लगा रही थी मैं। और बीच वाले रूम में भी झाड़ू लगाया है पर अभी बिस्तर तो नहीं उठाया ना, तो उतना अच्छे से साफ़ नहीं किया है मैंने, सिर्फ थोड़ा सा झाड़ू लगा दिया है। और रात को ना मैं वो जो सलवार था ना मेरा ऑरेंज कलर की, तो वो थोड़ा सा टाइट था, तो इसलिए मैं वो पहन कर नहीं सो पा रही थी, तो उसको मैंने चेंज करके ये वाली कुर्ती है तो इसको मैंने पहन लिया है। और मेरे जितने भी नाइटी थे ना और कुछ कुर्ती थी, तो उन सबको मैं बर्तन वाले आए थे ना, बर्तन वालों को दे दिया है, उसको देकर मैं बर्तन रख लिया है। और पुराना भी हो गया था और पहनने का मन भी नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने दे दिया है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल, स्वागत है सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अभी देखो दोपहर का 2 बज रहा है, 2:10 हो गया है घड़ी में, तो मेरे घड़ी में ना 10 मिनट फास्ट किया हुआ है और मोबाइल में अभी 2 बज रहा है, तो हस्बैंड जी ना 10 मिनट फास्ट कर दिया है और मैं लेट करती हूँ ना सब काम ताकि थोड़ा जल्दी कर लूँ इसलिए।
और वैसे भी घड़ी को थोड़ा सा फास्ट रखने में अपना ही फ़ायदा है, तो फास्ट है मेरे घड़ी 10 मिनट। और अभी ना थोड़ा सा, हाँ देखो, तो तब से मैं वीडियो नहीं बना रही थी इतना ज़्यादा, तब से ना वीडियो नहीं बना रही थी मैं, तो इतना ज़्यादा शोर शराबा होता है ना, तो इसलिए। और तब से मैं बैठी हुई थी ना, तो कम था, इतना शोर नहीं था। अभी फिर से जब भी मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ ना, इतना ज़्यादा शोर होता है। तो अभी सोची कि चलो थोड़ा सा वीडियो बनाती हूँ, आप सबसे बातें करती हूँ, और अभी ये वो होता रहता है साउंड बाहर से। और अभी मेरा खाना बनाना हो गया है, सब काम कंप्लीट हो गया है, इतना टाइम हो गया। और वैसे भी ना मैं कल भी थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी सुबह, और आज भी थोड़ा सा जल्दी उठी हूँ, इसलिए सब काम फटाफट हो गया है। और थोड़ा सा ना मैं सज धज कर आई हूँ, देखो यहाँ पर मैंने काजल लगाया है थोड़ा सा, और लिप बाम तो मैं लगाती हूँ, तो लिप बाम लगाया है, और ये थोड़ा सा काजल लगाया है मैंने, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। और यहाँ का देखो, ये यहाँ का सारे बाल ना मेरा उठ गया है, पता नहीं ये फिर से होगा कि नहीं, तो अच्छा नहीं दिख रहा है। और चलो मैं ना दिखाती हूँ आप सबको मैं आज क्या बनाई हूँ। और ये है मेरा किचन, तो किचन में आ गई हूँ और मेरा काम हो गया है। तो ये देखो मैं आज बनाई हूँ, वो संडे के दिन जो मछली लाए थे ना हस्बैंड जी, तो कुछ ज़्यादा था तो मैं रख दिया था, तो उसको मैंने आज बनाया है। ये देखो ये मछली है, और यहाँ पर ना थोड़ा सा पत्ता गोभी था, तो पत्ता गोभी को मैं मछली का माथा से ना बनाई हूँ ये, और थोड़ा सा मटर भी दिया है, और यहाँ पर है मेरा दाल, ये देखो। तो ये सब आज मैं बनाई हूँ, और मैं ना दूध उबालना भूल गई थी, तो अभी दूध को भी उबाल लूँगी मैं। सुबह ही देकर गए थे, तो अभी मैं उबाली रही हूँ, और इसको मैं अभी गर्म कर लेती हूँ, और ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी, वरना काल की जैसा गिर जाएगा ये। और दूध तो हमेशा मैं जब गर्म करने के लिए रखती हूँ ना, तो गिर ही जाता है। और यहाँ पर मेरे बेटी का सब, ये सब उसने बनाया है इसमें, देखो। और यहाँ पर मैं ना सारी पूजा की बर्तन धोकर रखी हुई हूँ, साफ कर पूजा करने के बाद, तो मतलब ये तांबे का और पीतल का जो बर्तन है ना, काला काला सा हो जाता है, तो ये इसको अच्छे से साफ करना पड़ता है। और थोड़ा सा नॉइज़ तो आ रहा है बाहर से, चलो सबको मैं ले जाती हूँ अभी। और मैं ना मेरे मंदिर को देखो ऐसे सजाई हूँ, भगवान जी को जाने के लिए रास्ता बना दिया है फूल से। चलो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। और
छत पर भी जाना है। कल जो चादर मैंने निकाला था उसको मैंने धो दिया है, छत पर है तो उसको मैंने रिवाइव भी लगाया। मैं भूल गई फिर से, देखो दूध बैठा कर, तो अभी भी गिरी नहीं है, अभी अभी गिरेगा ये देखो। इसको ऑफ करूंगी उसके बाद जाऊंगी छत पर। दोबारा से मैं वही काम करने जा रही थी, गैस के ऊपर दूध चढ़ाकर छत पर जा रही थी, तो मेरा तो सब गिर जाता, बर्बाद हो जाता। याद आ गया, अच्छा हुआ। तो अभी मैं जा रही हूँ छत पे कपड़ा लाने के लिए। ये देखो आ गई हूँ, तो ये देखो मेरा कपड़ा सूख गया है। अभी इतना ज़्यादा तेज धूप है ना, तो वो सब सूख गया है। वहाँ पर मेरा पिलो कवर भी है, तो वो जो रेड कलर का दो पिलो कवर है ना, वो इसी चादर का सेट का है। तो ये चादर ना ऑनलाइन, ये चादर हस्बैंड जी ऑनलाइन मंगाए थे। चादर में मैंने रिवाइव दिया है ना, तो ये थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो गई है सुखाने के लिए, तो इसको अभी खींचना पड़ेगा। तो मैं मेरे बेटी को बोल रही थी खींचने के लिए, तो बिस्तर पे है ना, तो उसको बहुत ही मज़ा आ रहा था खींचने में, तो उसको बोली कि आप ऊपर ही रहो क्योंकि नीचे खींचोगे तो गिर जाओगे तो लग जाएगा, इसलिए बिस्तर में वो खींच रही है। ये देखो, और वो ना उसका वो झूला लगाई है तो उसमें वो खेलती है। कुछ चीज़ें देखकर ना बच्चों की मन में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ चला आता है, तो मैं उसको बोल रही थी पिलो कवर को खींचने के लिए, और उसने देखो क्या बन गई है, सुपरमैन। तो सुपरमैन तो नहीं, सुपर गर्ल बन गई है, सुपरमैन की तरह भाग रही है। तो देखकर हंसी अभी आ रही थी बहुत ज़्यादा उसका कांड देखकर। और फिर और भी कपड़ा था छत पर, तो वो मैं बहुत पहले लेकर आई थी, तो अभी जाकर सिर्फ बेडशीट और पिलो कवर को लेकर आई हूँ। तो चलो, अभी भूख भी लग गया है, टाइम हो गया है खाने का। ये देखो, चलो खाना खा लेती हूँ मैं। बदमाशी करती है और अपना एक टॉय निकाल लिया है खेलने के। ये देखो, हेलो हेलो किटी, देखो। तो चलो फ्रेंड, अभी मैं खाना लेकर आती हूँ, खाती हूँ। और ये ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लो। तो चलो अभी मैं खाना लेकर आती हूँ, खा लेती हूँ, भूख भी लग गया है।
और फिर अभी हम लोगों का खाना पीना हो गया है ख़त्म। और आज ना खाना बहुत ही टेस्टी बना है, तो बहुत अच्छा बना था। तो अभी मैं जाऊंगी, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। पहले इसको मैं बंद कर लेती हूँ। तो चलो अभी मैं रखती हूँ।